दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अपने वीडियो के अंदर किस तरह से डबल या मल्टी लैंग्वेज वाला ऑडियो साथ में लगा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले। हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय YouTube चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट। हेलो बंधुरा, आपने अबारा स्वागत। मित्रों, तुम्हें परिति स्वागत छे। वणकम नानपाकले निकल मनिकतम वणकम मंटुल्लम। देखिए, इसी तरह से जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अब चेंज करके बताया है, VLC के अंदर लैंग्वेज अलग अलग चेंज करके, उस तरह से ही आप लगा सकते हैं। आपने हॉलीवुड की फिल्में हिंदी में या किसी दूसरी लैंग्वेज में डब की हुई देखी होगी, या साउथ की फिल्में भी जिनके साथ में डबल ऑडियो होता है, ड्यूल ऑडियो, ड्यूल या ट्रिपल, जितने चाहे आप लगा सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज की ऑडियो साथ में उन वीडियोज के लगा सकते हैं। तो ऐसा आप किस तरह से कर सकते हैं आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू मानसी फिल्म्स फॉर सजेस्टिंग दिस ग्रेट वीडियो। तो जैसे कि मेरे पास में यहाँ पर ये वीडियो है, और इस वीडियो को हमें कई लैंग्वेज के अंदर बनाना है, जिसके अंदर एक यहाँ पर डिफॉल्ट जो है वो वॉइस है, जो कि मेरी हिंदी के अंदर है। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, इसको म्यूट कर देता हूँ, और इसी के नीचे नेक्स्ट जो ट्रैक होगा उसके अंदर एक बार मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ मेरी दूसरी वॉइस अलग लैंग्वेज के अंदर। तो जैसे कि मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट हाउ यू कैन। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी एक ऑडियो तैयार कर लिया है। इसी तरह से मान लीजिए तीसरा भी है मेरे पास में, तो तीसरा मैं यहाँ पर तैयार कर लूंगा, चौथा तैयार कर लूंगा, और इसको क्या करना है अब मैं आपको बता देता हूँ। तो सिर्फ दो लैंग्वेज के अंदर मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। इसको हम क्या करेंगे, वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करते टाइम इस ऑडियो को हम यहाँ पर म्यूट कर देंगे एक लैंग्वेज वाले को, और बाकी का पार्ट हम रखेंगे, और ड्यूरेशन इनका एकदम बराबर रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पर म्यूट कर दूंगा और इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, जिससे नीचे वाला ऑडियो साथ में एक्सपोर्ट होगा नहीं। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ, फाइल के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर, मीडिया के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर मैं H.264 सेलेक्ट कर लेता हूँ। M4 के अंदर हम यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर मैं सेव कर देता हूँ, मैन कर दिया, ओके एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट हो गया। उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, इसको नीचे वाले को यहाँ पर म्यूट हटा दूंगा, ऊपर वाले जो हैं उसके अंदर इसको म्यूट कर दूंगा, इस वाले ऑडियो को, और हमें सिर्फ इस वीडियो को ही एक्सपोर्ट करना है। तो इसको सिलेक्ट कर लें, फाइल के अंदर जाएं, एक्सपोर्ट मीडिया सिलेक्ट कर लें, यहाँ से MP3, उसके बाद में यहाँ से फाइल फॉर्मेट दे देंगे नाम इंग्लिश। अब आप इस फोल्डर के अंदर आ जाइए, जहाँ पर एक आपका वीडियो है और एक आपका ऑडियो है। हमें क्या करना है, इनको एक फाइल के अंदर बनाना है। कैसे बनाएंगे देखिए, उसके लिए आप फुस हब इस साइट के ऊपर जाएंगे, लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, MKV टूल निक्स, इसको आप डाउनलोड करें। आपका अपने कौन से 64 या 32 बिट विंडोज के लिए, कौन से के लिए आप करना चाहते हैं, यहाँ से वो सिलेक्ट करके मैक के लिए करना चाहते हैं, जिसके लिए भी करना चाहते हैं वहां से डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाउनलोड किया था, पोर्टेबल वाला। इंस्टॉलर करेंगे तो फिर इंस्टॉलर से फिर इंस्टॉल होगा ऑनलाइन, मैंने यहाँ पर पोर्टेबल वाला ये इंस्टॉल किया था। डाउनलोड करने के बाद में आप क्या करें, उस फोल्डर के अंदर जाएं, आपको इस तरह की जिप फाइल मिलेगी, राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर दें, विनरार या जिपरार इस तरह का अंडर कोई करने का सॉफ्टवेयर होगा। एक्सट्रैक्ट करते इस तरह से एक फोल्डर बनेगा, और उसके अंदर खूब सारी आपके सामने फाइल्स आएंगी, उनके अंदर से आप उस MKV टूल निक्स GUI इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आपको क्या करना है, इस जगह पर वो सोर्स फाइल आप लेकर के आएंगे। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पर ये वीडियो है, तो इस वीडियो को मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ये वीडियो आ गया, साथ में एक ऑडियो फाइल आ गई, और ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर रहा है, हमें यहाँ पर इंग्लिश नहीं करनी है सिलेक्ट, आप ये हिंदी मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद में यहाँ पर जो साथ में एक और ऑडियो फाइल थी हमारी, वो भी मैं ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पर कर लूंगा, और स्टार्टिंग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे, तो ये आ गया नीचे MP3 के नाम से, जो आपका अलग से ऑडियो फाइल थी ये आ गई, और आप इसकी लैंग्वेज सिलेक्ट कर लें, जैसे इंग्लिश मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली। उसके बाद में ये तीनों फाइल्स क्या होगी, एक ही फाइल के अंदर सेव हो जाएगी MKV। MKV क्या है कि कंप्रेस नहीं करता, जो फाइलें हैं उन बंच को एक साथ रखेगा और वीडियो को प्ले कर देगा। हमें क्या लगेगा कि ये MKV है, MKV होगा, लेकिन उसके अंदर दो अलग अलग ऑडियो फाइल और एक इसके अंदर अलग से वीडियो फाइल MP4 के अंदर जो होगी वो चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इनको बना करके MKV जो है इनको एक साथ चलाएगा। आप एक साथ यहाँ पर कई सारी लैंग्वेज की फाइलें ऐड कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आप यहाँ पर इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लें, जैसे फोल्डर मेरे यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, नाम मैं दे देता हूँ .MKV, इस तरह से रहने देंगे, और बाद में हम करेंगे स्टार्ट मल्टीप्लेक्सिंग, ओके करेंगे, कंप्लीट हो गया। आप यहाँ पर आ जाइए, इतना जल्दी से हो जाएगा देखिए, और ये जो वीडियो आप प्ले करेंगे। नमस्कार दोस्तों,
स्वागत है आपका एक बार फिर से आज के इस वीडियो के। ये ऑडियो ट्रैक आपको यहाँ पर दो नजर आएंगे, हिंदी इंग्लिश अलग अलग। इंग्लिश करेंगे तो इंग्लिश वाला आएगा ऑडियो, और हिंदी करेंगे तो हिंदी वाला आएगा। इसके अलावा चार लैंग्वेज भी रखेंगे तो चार लैंग्वेज अलग अलग, वो आपकी चॉइस है। तो देखा आपने किस तरह से वीडियो के साथ में आप मल्टी ऑडियो या ड्यूल ऑडियो दूसरी लैंग्वेज का ऑडियो आप लगा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है, ये जो सॉफ्टवेयर उन्होंने आपको बताया बिल्कुल ही फ्री और सिंपल है, आप इसको यूज में ले सकते हैं। इसके लिंक्स जो भी है मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ। अच्छा एक बात इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब के लिए आप सोच रहे हैं कि इस तरह का ऑडियो बना वीडियो बना करके आप यूट्यूब के ऊपर डालेंगे तो मल्टी लैंग्वेज वाला ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर इस तरह का कोई भी फीचर अभी तक अवेलेबल है नहीं, आगे होगा नहीं होगा इसके बारे में मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों आप अगर पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस चैनल संजय कुमार स्वामी को सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें और पास के बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दें। साथ ही आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, आपके लाइक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और कमेंट करें। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।